सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हमारे नए सिलेबस के अंदर आए हैं। दोस्तों अब हमें नए पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि 2019 के अंदर हमारा सिलेबस है वो अपडेट हुआ था, तो उसी के अनुसार हमें स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको नेट और JRF क्वालिफाई करना है तो। और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो और ऐसे कौन से टॉपिक है जो अपग्रेड हुए हैं, चेंज हुए हैं, नए ऐड हुए हैं, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एटीट्यूडनल स्किल के बारे में। ये जो टॉपिक है ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर नया ऐड हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे 25 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है और इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, द इजीएस्ट एटीट्यूडनल स्केल विच इज़ सुमेटेड रेटिंग स्केल इज। अब हमें ये बताना कि इजीएस्ट एटीट्यूडनल स्केल कौन सा है जो सुमेटेड रेटिंग स्केल के इक्वल होता है, वो हमें बताना है। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए गुडमैन स्केल, लाइकर्ट स्केल, थर्स्टोन स्केल और एमएलए स्केल, तो इसमें हमें बताने दोस्तों यहां पे हमें इन चारों तीन स्केल के बारे में हमें पता होना चाहिए। एमएलए स्केल कोई होता ही नहीं है, एमएलए फॉर्मेट होता है जो हमने रेफरेंसिंग वो देखा था, फॉर्मेट देखा था उसके अंदर होता है, तो ये नहीं होता एमएलए, कोई स्केल नहीं होता। लेकिन गुडमैन, लाइकर्ट और थर्स्टोन ये तीन तरह के स्केल होते हैं, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब की बार इन्होंने जैसे मान के चलते कि इन्होंने लाइकर्ट स्केल के बारे में पूछा है, तो हो सकता है जून 2020 के अंदर ये गुडमैन स्केल के बारे में पूछ ले, तो इन सभी स्केल के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों जो एटीट्यूडनल स्केल है मुख्य रूप से चार तरह के होते हैं। इसमें थर्स्टोन स्केल है, गुडमैन स्केल है, लाइकर्ट स्केल है और फिर सिमांटिक डिफरेंशियल स्केल है, तो इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला स्केल आता है दोस्तों हमारा वो आता है यहाँ पे थ्रस्टोन स्केल आता है। और एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे यह कि ये चारों के चारों जो स्केल है वो गुणात्मक अनुसंधान के अंदर उपयोग होते हैं। गुणात्मक कौन सा होता है दोस्तों, जो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होते हैं उसके अंदर ये होते उपयोग। अब इसमें देखते हैं दोस्तों सबसे पहला है हमारा थ्रस्टोन स्केल। थ्रस्टोन स्केल आर आल्सो कॉल्ड इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल। अब देखिए यहीं पे बात आ गई ना, यहीं पे सवाल उठता है कि इसको क्या नाम से और भी पुकारा जाता है, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल के नाम से भी पुकारा जाता है, ये चीज़ हमें ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो स्केल है क्यों यूज़ किया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये देखिए, इट इज़ यूज्ड टू ट्रैक रिस्पोंडेंट बिहेवियर, एटीट्यूड और फीलिंग, यानी कि किसी भी उत्तरदाता का जो बिहेवियर है, उसका एटीट्यूड है, उसकी जो फीलिंग है, उसको ट्रैक करने के लिए ये स्केल यूज़ किया जाता है। और उसके बाद है दोस्तों, दिस स्केल कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट अबाउट ए पर्टिकुलर इशू और टॉपिक, यानी कि किसी इशू और टॉपिक के बारे में एक स्टेटमेंट तैयार कर ली जाती है। ईच स्टेटमेंट हैज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी स्टेटमेंट है उसके उसको हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं हम। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि आपकी क्लास के अंदर टीचर पढ़ाता है, तो उसका हम आगे लिख देंगे कि 5, आपका जो टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो उसके अंदर लिख देंगे आगे 5 नंबर उसको हमने दे दिए, ठीक है। आपका टीचर
बहुत मारता है उसका, हमने स्केल में मान लो जो वैल्यू है वो दे दी कि जैसे 7 दे दी, इस तरीके से हम कुछ वैल्यू देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंडिकेट द रिस्पोंडेंट एटीट्यूड टुवार्ड द टॉपिक एज फेवरेबल और अनफेवरेबल, यानी उसके पक्ष में और विपक्ष में इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। तो और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसी के अनुसार क्या होता है, रिस्पोंडेंट इंडिकेट द स्टेटमेंट दैट दे एग्री विद एंड एन एवरेज इज कंप्यूटेड। तो इस तरीके से दोस्तों वो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, और जब हम किसी से पूछते हैं और उन सभी का काउंट करते हैं हम कि टोटल कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई है, उसी के अनुसार ये टेस्ट यूज़ किया जाता है और उसी के अनुसार रिजल्ट निकाला जाता है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। आप ये देखिए, ये हमने इंग्लिश में दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे ये देखिए, जो स्टूडेंट हिंदी में हैं हिंदी वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में हमने यहाँ पर दिया हुआ है। से आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रतिवादी के व्यवहार, दृष्टिकोण या भावना को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है, यहां पे आप बिल्कुल आसानी से इसको देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको नेट और जेआरएफ अच्छे से क्लियर करना है तो आपको इंग्लिश और हिंदी की बेसिक जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहां पर इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। कई स्टूडेंट को हिंदी में समझ में नहीं आता तो कईयों को इंग्लिश में समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमने मिक्स लैंग्वेज यहाँ पे दिए, आप आसानी से इसे समझ सकेंगे। और आगे दोस्तों, आगे हमारा गुटमैन स्केलिंग। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं गुटमैन स्केलिंग। गुटमैन स्केलिंग आल्सो कॉल्ड स्केलोग्राम एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे हर जो स्केल है उसके दो दो नाम आपको मिलेंगे और ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप स्केलोग्राम एनालिसिस कहते हैं गुटमैन स्केल को, ये आपको पता होना चाहिए। इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट आइटम कैन बी अरेंज अलोंग ए कंटिन्यूम इन सच ए वे दैट ए पर्सन हु एग्री विद एन आइटम और फाइंड एन आइटम एक्सेप्टेबल विल आल्सो एग्री विद और फाइंड एक्सेप्टेबल ऑल अदर आइटम। देखिए मैं आपको ये हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकेंगे। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी विचार होता है, कोई आइडिया होता है हमारे पास, ठीक है, और उसको एक निरंतरता के साथ निर्धारित किया जाता है। और उसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति जो किसी एक वस्तु से सहमत है या किसी वस्तु को स्वीकार करता है तो वह क्या है कि अन्य जो स्टेटमेंट है उनको भी वह स्वीकार करेगा। अब देखिए इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसके अंदर जैसे यहाँ पे चार चीज़ें इन्होंने दी है कि टीवी पर अश्लील प्रोग्राम समाज के लिए हानिकारक है, नंबर दो बच्चों को अश्लील टीवी को देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नंबर तीन टेलीविज़न स्टेशन प्रबंधकों को अपने स्टेशनों पर अश्लील कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ठीक है, चौथा है हमारे पास सरकार को टीवी से अश्लील प्रोग्रामों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है, ये होगी चार। अब देखिए, अब इसमें हम ये मान के चलते कि कोई व्यक्ति है वो नंबर चार से सहमत है, ठीक है, कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, सरकार को टीवी से अश्लील प्रोग्रामों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो इंसान स्टेटमेंट नंबर फोर से एग्री है तो वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट नंबर एक दो और तीन से भी एग्री है, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिस पे सरकार प्रतिबंध लगा रही है, जिसको सरकार रोक रही है, तो वो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है वो समाज के लिए हानिकारक है, वो बच्चों के लिए हानिकारक है, बच्चों को उसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए जिस चीज़ को सरकार प्रतिबंध कर रही है, तो सीधी सी बात है वो बच्चों के लिए भी हानिकारक होगी। और फिर क्या होगा दोस्तों कि जो स्टेशन प्रबंधक है उसको भी अपने जो कार्यक्रम है उस पर रोक लगानी चाहिए, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट से जो तीन और स्टेटमेंट है हमारी, ये इनकी भी स्वीकृति मिलती है, इनकी भी हमें हामी मिलती है। तो यानी कि एक स्टेटमेंट के सही होने से अगर और भी स्टेटमेंट सही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुटमैन स्केल कहते हैं, ये है आसान भाषा में इसका मतलब। और यही चीज़ हमने बिल्कुल यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई थी, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है लाइकर्ट स्केल है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर देखिए, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सुमेटेड रेटिंग स्केल। अब देखिए इसे भी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, हर किसी को दो दो नाम से पुकारा जा रहा है। और
इसके अंदर क्या होता है वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं यहाँ इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ते हैं हम नीचे यहाँ पे। जैसे कि किसी विषय के संबंध में कई कथन विकसित किए जाते हैं। अब देखिए कोई बात होती है उसके बारे में कई चीज़ें निर्धारित की जाती है। उत्तरदाता दृढ़ता से सहमत हो सकता है, सहमत हो सकता है, तटस्थ हो सकता है, असहमत हो सकता है। अब देखिए इसको भी मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये देखिए हमने इस तरह के जो क्वेश्चनियर है वो बहुत देखे होंगे, सर्वे देखे होंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे लाइकर्ट स्केल का एक एग्जांपल दिया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओनली यूएस सिटीजन शुड बी अलाउड टू ऑन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। अब इसे एक और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये कहा जाए कि सरकार को अश्लील कार्यक्रम बंद कर देने चाहिए, ठीक है, तो जनता से राय मांगी जाए, तो इनमें से अगर कोई व्यक्ति राय देना चाहे कि वो स्ट्रॉन्ग एग्री है कि उसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, फिर है एग्री हाँ थोड़ा बहुत सहमत है, फिर है नेचुरलाइज, और फिर है डिसएग्री कि नहीं मैं सहमत नहीं हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इनको बंद करना चाहिए, ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग डिसएग्री इसका मतलब है कि नहीं बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी राय उस पर दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चनर आपने बहुत देखे होंगे शायद, मेरे को लगता है इस तरह के आते रहते हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट जो होते हैं जिसमें हमें काफ़ी ऑप्शन होते हैं सहमत असहमत होने के, स्ट्रॉन्ग एग्री डिसएग्री वगैरह के, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइकर्ट स्केल कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। और कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमें व्हाट्सअप पे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारा जो लास्ट है सिमांटिक डिफरेंशियल स्केल। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अदर कॉमन यूज स्केलिंग प्रोसीजर इज द सिमांटिक डिफरेंशियल स्केल। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो हमें याद रखनी ज़रूरी है वो क्या है कि इसे किस किस ने दिया था। ये देखिए ओसगुड, सूसी और टेनुबुआम, ये पता नहीं क्या है दोस्तों, मेरे से बोला नहीं जा रहा, ठीक है, कोई नहीं, इसे हम हिंदी में देख लेते हैं। और इसके बाद में ये देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, इसको किसने दिया था, एक ओसगुड था, सूसी था, टेनेनबॉम ने दिया था 1957 के अंदर दिया था। ये तीनों के तीनों नाम हमें याद होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे मास कम्युनिकेशन के अंदर आ चुका है। मास कम्युनिकेशन इन चारों स्किल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो हो सकता है पेपर फर्स्ट में भी इनका जो फाउंडर है यानी कि जिन्होंने इनको विकसित किया है उनके बारे में पूछ ले, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और इसके अंदर एक और जो चीज़ है वो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि रुकिए मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ पहले। टू यूज़ द टेक्निक ए नेम और कॉन्सेप्ट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ सीरीज ऑफ 7 पॉइंट स्केल एंकर्ड बाय बाइपोलर एटीट्यूड। यानी कि यहाँ पे किसी भी जो मुद्दा है या फिर कोई विचार है उसको एक 7 पॉइंट के अंदर डिवाइड किया जाता है और बाइपोलर एटीट्यूड होता है उसके, यानी कि दो पहलू बनाए जाते हैं। चलिए इसको भी ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सैम्पल फॉर्म फॉर अप्लाइंग द सिमांटिक डिफरेंशियल स्केल, यहाँ पे सैम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे ट्रस्ट वर्थी और अनट्रस्ट वर्थी यानी कि विश्वसनीय और अविश्वसनीय। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना मार्क कर सकता है कि वो विश्वसनीय कितना है क्या नहीं है। तो इस तरह के ये देखिए यहाँ पे बाइपोलर हो गया ना, एक पोल ये हो गया और एक पोल यहाँ पे ये होगा, बाइपोलर हो गया। और ये क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम के अंदर आया था दोस्तों, जो मास कम्युनिकेशन का सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम था कि जो बाइपोलर एटीट्यूड है वो किसके अंदर यूज़ किया जाता है। और ये चीज़ हमें पता होना चाहिए दोस्तों, हो सकता है पेपर फर्स्ट के अंदर भी ये चीज़ पूछ ले। और इसके अंदर एक कई चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, आप चीज़ें पढ़ लेना। और उसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहे तो ये हमारा नोट्स ले सकते हैं, हमने पेपर फर्स्ट की सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स बना रखे हैं, ये नोट्स आप ले सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में हमने बना रखे हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ हम पेपर फर्स्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं आपको, जिसमें हम ओल्ड पेपर दे रहे हैं 2012 से दिसंबर 2019 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में दे रहे हैं और विद टॉपिक वाइज, जैसे आज तक रिसर्च के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, टीचिंग के अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग कर रखे हैं।
इस तरह से आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना तो वो कर सकता है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे पट्टी पे लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।